for a country sales head, Mr. Harish Singla on the stage, please. Zordar. आज आप पी के आए सर? हाँ जी, हाँ जी, श्योर। हाँ, श्योर। आप सबने पिया? आरजी डाल के सबने? गुड। मैंने अभी नहीं पिया, अभी पीऊंगा। वेल दोस्तों, कल का प्रोग्राम कैसा लगा आप लोगों को? आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? हाँ, एक्सपेक्टेशन क्या है? आज आप सारे लोग यहाँ पे सीनियर लोग हो, जो जो कंपनी में काफ़ी समय से काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, किसी ना किसी लेवल्स पे पहुँच चुके हो। तो मैंने सक्सेस डे के साथ साथ ये प्रोग्राम इसीलिए स्केड्यूल किया कि किम मैटसन साहब हमारे साथ हैं, इनसे कुछ सुने, सोचें, समझें, अपनी अपनी दिशाएं रीसेट करें, जैसे कि नंदा जी ने बोला। बट दिशा रीसेट करना एक बात है, लास्ट के दो साल में जब से मैं यहां हूं, मैंने क्या देखा है, बहुत सारे हमारे मैनेजर लेवल पे आके लोग एक स्टक हो जाते हैं, एक अपना पीक या उनका जो पीक है वो फ्लैट हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिशा रीसेट करने की बात अभी दूर है। मेरे हिसाब से नई दिशा एक दिखाने की या देखने की जरूरत इस पायदान के ऊपर बहुत ज्यादा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके हमने ये आज की जो ट्रेनिंग है इसकी शुरुआत करी है। ये जो हमारा पीरियड है जैन फेब मार्च, इसमें बहुत सारी हमारी क्वालिफिकेशंस खत्म होती हैं और नई शुरू होती हैं। सो मेरे को ये लगा कि ये बड़ा सही समय है अपने अपनी दिशा चेक करने का, सेट करने का, रीसेट करने का और एक नए मुकाम की तरफ बढ़ने का, एक नया अपनी लाइफ में गोल सेट करने का, एक नया अपनी लाइफ में टारगेट सेट करने का। हर किसी का लेवल ऑफ कंप्लेसेंसी पहुंच चुका है आज की डेट में। जैसे किम ने मेरे से पूछा, कहता 20,000 लोग आपने इस हॉल में इकट्ठे किए, कहते मैं एनर्जी इतनी उसमें देख के मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंडिया नंबर वन अभी तक क्यों नहीं है। इतना एनर्जी था, ग्लोबल जो प्रेजेंस होती है 15-16,000 लोगों की, उससे ज्यादा प्रेजेंस हमारे एक दिल्ली के सक्सेस डे में थी। और मेरे ख्याल से सब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सक्सेस डेज था जितने भी मैंने दो साल में अटेंड करे हैं। 12:30 शुरू होके 6 बजे खत्म हुआ और 6 बजे भी हमने सब कुछ लास्ट के घंटे में बहुत तेजी से भगाया, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर हम अपनी स्पीड पे चलते और पुलिस की परमिशन रहती हमारे को, तो शायद हमें 8 बजते कल। और एक भी मेरे ख्याल से उसमें मोमेंट नहीं था ऐसा जबकि एनर्जी लेवल क्राउड का किसी समय भी कम हुआ हो। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। अब हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है वो जो एनर्जी हमने कल देखी, उसको पूरा साल बरकरार कैसे रखना है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। बिकॉज मैंने क्या देखा है हमारे सक्सेस डे में, हम लोग सक्सेस डे में जाते हैं बहुत एनर्जी लेके वापस आते हैं और वो एनर्जी धीरे 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 डिसिपेट हो जाती है। सही है क्या? होता है वो सक्सेस डे वाले दिन के साथ ही उसके बाद ओवर। सो जो आज का दिन हमने ये रखा है, ये उसी लिए रखा है कि वो जो एनर्जी कल हमने गेन करी उस सक्सेस डे से, उसको आगे कैसे बरकरार रखा जाए, उसको आगे कैसे कंटिन्यू रखा जाए, ताकि हम अपने अपने यहाँ से जब निकलें आज तो अपने नए गोल्स सेट करके निकलें यहाँ से। ऐसा नहीं हो कि हम घर जाके सेट करेंगे। आज के सेशन के बाद आप लोगों के इस साल के जो माइंड में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इस साल क्या करेंगे और कैसे करेंगे।
That is the goal of this training today. Are we on the same page? Yes. Aap logon ka ye goal hai? Yes. Okay, then acha hai, reception acha hoga. Piya nahi maine. Pi leta hu. Energy chahiye thodi si. दोस्तों जैसा मैंने कल बोला हम एमआर का कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा वो ऐसे ही दिल नहीं करा शौक नहीं आया कि आप सब लोगों को एमआर पे लेके जाया जाए ब्रेन वेव नहीं था उसके पीछे एक बड़ा खास ऑब्जेक्टिव है हमने क्या देखा है कि जो मैनेजर बनने की जो रेस है हमारे यहां वो ये है कि एक बार 120 सीसी हम किसी तरह कर दें और मैनेजर बन जाएं कल भी किसी ने एक डायलॉग बोला था आग लगा दो सीने में जब तक लाख नहीं महीने में राइट सो द प्रॉब्लम विद दैट लाइन मेरे को उसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम नजर आती है क्योंकि जो हम डायलॉग बोलते हैं वो उसको हम मैनेजर टाइटल के साथ लिंक कर देते हैं और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप लाख रुपए बिना मैनेजर बने भी कमा सकते हैं प्रोवाइडेड आप सही तरीके से बिजनेस करते हैं और सही डायरेक्शन से बिजनेस करते हैं सो हमारा जो आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग का मकसद है वो ये है हाउ टू बिल्ड इनकम्स हाउ टू बिल्ड सस्टेनेबल इनकम हाउ टू बिल्ड इनकम जो कभी नीचे ना आए वो 120 सीसी एक बारी करके किसी अपलाइन ने करवा दिया उसको उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है अगले महीने वो बैठा है अपने घर पे ये सोचता हुआ अब तो इस बार तो 1 लाख रुपए का चेक आएगा घर पे वो चेक तो कभी आता ही नहीं है है आपके कुछ मैनेजर्स ऐसे हा नहीं हाँ नहीं बोल रहे नहीं है मेरे हिसाब से तो पंजाब में सबसे ज्यादा ऐसे मैनेजर्स अब शायद कम हुए हैं पिछले 5-6 महीने में तो बेसिकली 120 सीसी खरीदना हमारा मकसद नहीं है अगेन किम के साथ पिछले 3-4 दिन से लगातार डिस्कशन हो रहा है वो कहते हैं कि जब तक आप अपना कंज्यूमिंग बिजनेस रिटेलिंग बिजनेस नहीं डेवलप करेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते किसी एक व्यक्ति को 4 सीसी से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में हमारे यहां ऐसे व्यक्ति हैं कई तो रोते हैं कि जी हमारे से 1+3 नहीं होता और कई मैं देखता हूं 20-20 सीसी उठाते हैं पर्सनल अकाउंट में व्हाई दैट डिफरेंस वो 20 सीसी वालों से कैसे हो जाता है क्या वो बहुत अच्छे कलाकार हैं बहुत अच्छे सेल्समैन हैं क्या है क्या करते हैं वो जो 20 सीसी पर्सनल पे उठाते हैं दिस बिजनेस इज जस्ट अबाउट 4 सीसीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ 4 सीसी डाउन योर लाइन्स अब 4 सीसी को ही कई लोग मैनेजर्स हमारे छुपा के रखते हैं कि ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है वीक पॉइंट है बट ये आप लोगों को जो आज लोग यहां बैठे हो आप सब ये समझना बहुत जरूरी है कि 4 सीसी इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इट इज नॉट आवर वीक पॉइंट जब तक आप 4 सीसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में अपने दिल में धार लेते तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते प्लीज बी वेरी क्लियर तो लाइक आई वाज सेइंग के मैनेजर रिट्रीट का जो हमने नया कॉन्सेप्ट डाला है उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको अपना बिजनेस सही तरीके से बिल्ड करने में मदद करता है हम नहीं चाहते आप सीधा 120 सीसी करके मैनेजर बन जाएं इसीलिए हमने ये नया एमआर का कॉन्सेप्ट डाला है हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप 3 लेग्स साइमल्टेनियसली डेवलप करिएगा अपने बिजनेस में आप 3 लेग्स के ऊपर बिजनेस अपना बनाइएगा 3 लेग्स के ऊपर आप बिजनेस बना के आप मैनेजर बनते हैं तो आपका बिजनेस स्टेबल होगा सस्टेनेबल होगा लाख रुपए महीने की इनकम आएगी अगर आप उस बिजनेस को ग्रो करते हैं प्रॉपरली 120 सीसी एक बारी करके लाख रुपए की इनकम नहीं आएगी सो
मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि वो MR का कॉन्सेप्ट क्या है। 1 अप्रैल से वो लागू होती है, इस साल 2020 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 इस नए MR का क्वालिफिकेशन पीरियड है। सो आज मैं बात करूंगा मैनेजर रिट्रीट और ईगल मैनेजर रिट्रीट के ऊपर। मेरे हिसाब से जितने भी लोग आप सारे इस हॉल में बैठे हो, अगर इन दो चीज़ों के ऊपर इस साल में फोकस कर लेते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप सारे के सारे चेयरमैन बोनस चेक ले सकते हो दोस्तों। म्यूजिक की रिट्रीट तो मार्च में अब खत्म हो जाएगी, लास्ट महीना है। सो जिसको लास्ट एक मंथ में जोर लगाना है वो लगा सकता है, बट यहां पे आज हम बात कर रहे हैं 2021 की मैनेजर रिट्रीट के बारे में। कितने लोग ऐसी मैनेजर रिट्रीट में जाना चाहेंगे अगले साल? सब कमरों की कमी पड़ेगी, बट आई डोंट माइंड, आई वुड लव कि आप सारे लोग उस रिट्रीट में आए। देखिए, क्वालिफिकेशन पीरियड है उसका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। उसके बेसिक 4 पॉइंट्स हैं। आपको हर महीने 12 महीने 4CC एक्टिव रहना है। आपको इस रिट्रीट के 3 हिस्से हैं, 3 अवार्ड्स हैं। जैसे अभी हमारा एक गोल्ड और सिल्वर था, अब गोल्ड और सिल्वर स्क्रैप हो जाएगा। उसी रिट्रीट में 3 हिस्से रहेंगे, अवार्ड लेवल 1, अवार्ड लेवल 2, अवार्ड लेवल 3। अवार्ड लेवल 1 है कितने पे स्टार्ट होता है? 200 CC पे। 200 CC तो मेरे ख्याल से आप सारे लोग करते हो, तो सारे लोग आ जाओगे इसमें? हाँ नहीं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, आप समझिएगा। ये 200 सीसी आपको 1 अप्रैल, अगर आप सब मैनेजर्स हैं तो आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में 200 सीसी करने हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजर हैं, और इस पीरियड में आपको 2 नए सुपरवाइजर्स और 1 असिस्टेंट मैनेजर बनाना है साथ में ये 200 सीसी करके। और जो आपके जो 200 सीसी हैं, ये मैनेजर लेग से नहीं, ये नॉन मैनेजर लेग से आएंगे। क्लियर? कितने लोग कर रहे हैं आज की डेट में 200 सीसी नॉन मैनेजर लेग से? देखा कितने हाथ कम रह गए। दैट इज वेयर द चैलेंजेस। 2 नए सुपरवाइजर, 1 असिस्टेंट मैनेजर। अगर आप 300 सीसी करते हैं और उसमें 1 सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनसे ऊपर हो सकते हैं? लाइक अगर 200 सीसी हैं, 3 असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकते हैं? नहीं। सो बट 200 सीसी है उस पर। सो ये जो हम क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो 2 असिस्टेंट मैनेजर, 1 सुपरवाइजर और 300 सीसी। तीसरा है 3 असिस्टेंट मैनेजर्स और 400 सीसी। सो ये 3 लेवल के अवार्ड्स हैं आपके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 2 nights 3 days, लेवल 2 में 3 nights 4 days, लेवल 3 में 4 nights 5 days। पॉसिबल लगता है?
सबके लिए। अब ये नए अवार्ड सिस्टम में कितने लोग लगता है कि हम जा पाएंगे? सारे? वेरी गुड। बेसिकली अगेन ये जो मैं आपको बता चुका हूं वाई मैनेजर रिट्रीट, अगर आप सब लोग इसको अपना गोल बनाते हैं इस साल में, तो इससे आपकी बिजनेस इनकम सस्टेनेबल बनेगी। बहुत सारे लोग आपके शायद इस हॉल में भी होंगे वो जो 8 CC और 12 CC भी करते हैं। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपको 8 और 12 CC की क्रचेस की जरूरत नहीं रहेगी। यू विल बी एबल टू रिमेन ए मैनेजर एट 4 CC। सो आपको एक्स्ट्रा माल जो खरीदते हो आप 10 CC, 12 CC, 15 CC पर्सनल अकाउंट में, वो खरीद के इधर उधर डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे अगर आप ऑनेस्टली इसको करते हो, तो जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम है जिसको कल मैंने रेफर किया था, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम होनी चाहिए अगर आप सारे के सारे इसको ऑनेस्टली करते हो। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप ऑनेस्टली करते हो तो अपने नीचे आप डुप्लीकेशन ऑनेस्टली करना लोगों को सिखाएंगे। तो जिस दिन ही आप 10, 12, 15 CC खरीदते हो अपने पर्सनल अकाउंट में, उसी दिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रडार में आपका नाम जरा लाल अक्षरों से लिखा जाता है, तो लाल अक्षरों से आप ग्रीन में आ जाओगे। ये जो अगर आप मैनेजर रिट्रीट इस तरीके से करते हो, तो ये एक नेचुरल स्टेपिंग स्टोन है आपके कार प्लान के लिए, आपके ईगल मैनेजर के लिए और आपके चेयरमैन बोनस के लिए। आप उस राह पे चल पड़ते हो इसके साथ, वो मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। मैनेजर रिट्रीट इज अ नेचुरल स्टेपिंग स्टोन टू ईगल मैनेजर। मेरे ख्याल से जो बहुत सारे लोग आप में से बहुत पुराने हैं, वो समझ भी गए होंगे ऑलरेडी कि हाउ इज इट गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन टू ईगल मैनेजर। ईगल मैनेजर बहुत देर से मिस्टर ग्रेग मोहन का एक विजन रहा है टू फोकस पीपल ऑन टू द ईगल मैनेजर, बिकॉज ईगल मैनेजर इज अ मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शन आप लोगों के लिए। इसके क्राइटेरिया आप सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं, बट एक रिफ्रेशर मैं दे रहा हूँ। 4 CC एक्टिव ईच मंथ, लीडरशिप क्वालिफाइड ईच मंथ, ये इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी मैनेजर रिट्रीट में नहीं है। अक्यूमुलेट टोटल ऑफ 720 CC, 100 CC ऑफ विच हैव टू बी न्यू बिजनेस, इट कैन बी ग्लोबल। मैनेजर रिट्रीट में हम ग्लोबल बिजनेस नहीं काउंट करते, हम सिर्फ लोकल इंडियन बिजनेस काउंट करते हैं। पर्सनली स्पॉन्सर एंड डेवलप 2 new supervisors, ये दे कैन बी ग्लोबल, और सपोर्ट लोकल एंड रीजनल मीटिंग्स। तो अब इससे थोड़ा क्लैरिटी है कि हाउ आवर मैनेजर रिट्रीट इज प्लगिंग इनटू दिस प्रोग्राम। क्लैरिटी आ रही है? गोल्स बन रहे हैं दिमाग में? ईगल मैनेजर क्यों? दोस्तों ये मैंने कुछ डेटा निकाला था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग 6 लोगों का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये रियल एक्चुअल लोग हैं, ये एक्चुअल लोगों का डेटा है। अगर कोई यहां पे भाई बैठा होगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि वो किसका डेटा है, बट मैं नहीं बताऊंगा किसका डेटा है, ये एक्चुअल 6 लोगों का डेटा है। जब वो मैनेजर थे पिछले साल, पिछले से पिछले साल, और लास्ट ईयर वो ईगल बने, तो उन लोगों की इनकम में ये अंतर आया, देख सकते हैं आप। एक व्यक्ति
जिसकी इनकम 8.69 लाख के करीब थी, उसकी इनकम 16.56 लाख. 90% ग्रोथ, 192% ग्रोथ, 242% ग्रोथ, 549% ग्रोथ, 91% ग्रोथ, 48% ग्रोथ. एवरेज इन सब की छहों के मिला के 133% ग्रोथ. सॉरी, तो अगर इतनी ग्रोथ मिलती है ईगल मैनेजर में जाने से, तो हमें ईगल मैनेजर बनना चाहिए कि नहीं? Yes. कितने लोग इस साल ईगल मैनेजर बनना चाहेंगे? बन सकते हैं, मुश्किल नहीं है. आप फोकस करिएगा मैनेजर रिट्रीट के ऊपर, आप शर्तिया ईगल मैनेजर बनेंगे. शर्तिया, ये थी मैनेजर लेवल के ऊपर इनकम का डिफरेंस. अब देखते हैं जो लोग सीनियर मैनेजर हैं और फिर वो सीनियर ईगल मैनेजर बने, तो क्या डिफरेंस आया, देखना चाहोगे? ये देखिए, एवरेज इनकम 17 लाख रुपए थी सीनियर मैनेजर्स की, और जब वो ईगल बने तो एवरेज इनकम 32 लाख रुपए हो गए. 81% इंक्रीज. अच्छा है इंक्रीज, ये अट्रैक्टिव है. आप में से कितने लोग सीनियर ईगल्स हो, सीनियर मैनेजर्स हो यहां? ये सबके लिए टारगेट है. और सीनियर ईगल्स, हाँ तो आप बैठे हो यहां पे, पुराने नहीं, मैं नए की बात कर रहा हूं. ईगल का प्रॉब्लम ही यही है, हर साल ईगल बनना पड़ता है. टाइटल नीड्स टू बी अर्न्ड एवरी ईयर, इनकम नीड्स टू बी अर्न्ड एवरी ईयर. सो आपको इट कीप्स यू ऑन योर टोज. एक बारी 10 साल पहले मैनेजर बने थे, ईगल मैनेजर बने थे, चेयरमैन बोनस लिया था, वो सब था है पास्ट में, पास्ट टेंस. यू नीड टू हैव इट अगेन एवरी ईयर. आपके खर्चे बढ़ रहे हैं. अभी बॉम्बे सक्सेस डे पे मैंने अपना ही तरफ से एक गोल लिया था अपने लिए, शेयर करूं मैं आपके साथ? Yes. मैं क्या देखता हूं, आप लोग सारे ये सब ये फ्री ट्रिप्स, फ्री अवार्ड्स, फ्री एवरीथिंग की तरफ जाते हो. मेरा ये गोल है कि आपकी लोगों की जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि आपको इन फ्री अवार्ड्स की परवाह ही नहीं होनी चाहिए, आप अपनी जेब से पैसा खर्च के जा सकते हो. You should not wait for the company to give you this award. इतनी इनकम आपकी जेब में होनी चाहिए, because ultimately it is the money which counts. ये भी सब पैसे से ही आता है, right? So मेरे ख्याल से ये जो data देख के आप लोगों को किसी को कोई शक है कि ईगल मैनेजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? Clear? Data से clear और कोई चीज नहीं है, जितनी भी बातें मर्जी कर लो. डिफरेंस इन अर्निंग सीनियर मैनेजर वर्सेज सीनियर ईगल मैनेजर, मिनिमम 41%, मैक्सिमम 442%, एवरेज 81%. मैनेजर वर्सेज ईगल मैनेजर, कम से कम जो इंक्रीज आया वो 48% का, मैक्सिमम 549% का, एवरेज 133% का. दोस्तों बातें वॉट हो, प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिक्रूटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रिटेलिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और डुप्लीकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. चार चीज़ें ही हैं ये, चारों प्लान्स आपके गोल बनने के बाद आपके पास चार पन्नों में लिखे होने चाहिए कि आप ये चारों काम कैसे करोगे अगले एक साल में. जब तक आप ये लिख के अपनी डायरी में नहीं रखोगे, वो प्लान आपका, वो गोल आपका कभी भी पूरा नहीं होगा. मैनेजर रिट्रीट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ब्रेक इट डाउन. 200 सीसी 12 मंथ्स, 17 नॉन मैनेजर सीसी पर मंथ चाहिए. ये सारे खुद नहीं करने हैं अपने पर्सनल अकाउंट पे,
ये आपको जो अपनी तीन बिजनेस लाइंस डेवलप कर रहे हैं उनसे कराने, आप देख लीजिए अगर तीन लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, चार या पांच सीसी वो करते हैं तो कितने हो गए, 12 से लेके 15 सीसी तक इजीली आपके वहां से आएंगे। रिक्रूट 2 न्यू एएस पर मंथ, 2 नए एएस चाहिए हर महीने। किम ने बोला था कल 5 लोगों से बात करो हर रोज, अगर 5 लोगों से आप हर रोज बात करते हैं तो यकीनन 2 एएस उसमें से निकलेंगे महीने में। 5 एएस से कितने हो गए, 150 लोगों से बात करोगे महीने में। रिटेलिंग 2 सीसी पर मंथ, मेरे हिसाब से अब C9 चैलेंज देख के बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं, कहते सर हमने 2 C9 बेच दिए, 3 C9 बेच दिए, 4 C9 बेच दिए। अगर आप C9 के ऊपर ही फोकस करें, जो कि कंपनी का फोकस रहेगा इस साल में, अगर आप C9 के ऊपर फोकस करें तो मेरे को नहीं लगता कि 2 सीसी की रिटेलिंग महीने में मुश्किल है। आपको एडिशनल सीसी भी मिलेंगे, आपको टेस्टिमनीज भी मिलेंगी, आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे। एज अ पैकेज C9 से बेहतर मेरे को कोई पैकेज मार्केट में आज की डेट में नज़र नहीं आया जो कि 9 दिन में आपको वेट लॉस की पोटेंशियल देता है। बाकी देर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स जो वेट लॉस में रहते हैं, बट C9 हमने देखा है इट हैज़ फैंटास्टिक रिजल्ट्स। कंज्यूम 1 सीसी पर मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूम। और आप सब लोग मैनेजर लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हो जहां पे 1 सीसी कंज्यूम करना अफोर्ड कर सकते हो। बहुत सारे नए लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि 1 सीसी कंज्यूम करने की क्षमता उनमें फाइनेंशियली नहीं होती, बट ये आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 सीसी मिनिमम कितने लोग करते हो कंज्यूम, देखो यहां पे भी सारे लोग नहीं करते, नहीं सारे नहीं करते, पीछे मैं देख रहा हूं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैनेजर लोग हो, मैनेजर लेवल पे हो और आप 1 सीसी कंज्यूम नहीं करते हर महीने, फिर आई डोंट नो कौन करेगा। डेवलप मोर लीडर्स, बिकम मेंबर्स ऑफ द 5 सीसी क्लब। 5 सीसी क्लब के बारे में कितने लोगों को मालूम है, कितने लोग मेंबर हैं उसके? अब हाथ सारे नीचे चले गए। इसका मतलब है कि आप लोग भी 5 सीसी नहीं कर रहे हो रेगुलरली। सो अगर आप लोग 5 सीसी रेगुलरली नहीं कर रहे हो तो आप अपने नीचे कैसे डुप्लीकेशन कराओगे लोगों को? सो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। अगर आप एक करते हो काम तो दूसरा ऑटोमेटिकली अचीव होता है। 5 सीसी क्लब में आएंगे उधर भी आपको कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। अगर आप ऑलरेडी 200 सीसी के लगभग नॉन मैनेजर कर रहे हैं तो एम हाई कर सकते हैं आप। 300 सीसी वाली ब्रैकेट में अचीवमेंट कर सकते हैं। 300 सीसी डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 25 सीसी पर मंथ। अगर लेवल 3 पे जाते हैं तो 33 सीसी पर मंथ। सो द चॉइस इज योर्स। और इस अवार्ड का एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई नया व्यक्ति इस पीरियड में रिक्रूट करते हैं, अगर वो व्यक्ति एम्बिशियस है तो इवन दैट पर्सन कैन टारगेट फॉर अ मैनेजर रिट्रीट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। आगे मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे कर सकते हो आप। ये देखिए एक व्यक्ति अप्रैल में शुरू होता है एज एएस, 5 सीसी करता है 5 सीसी क्लब, वो 2 नए एएस लेता है जून में, 1 एएस और नया और आप सुपरवाइजर बन जाता है जुलाई में सुपरवाइजर विद इंक्रीज सीसीज। और हमने ये भी नोटिस किया है पीछे होम ऑफिस से कुछ बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जो हम 120 सीसी इन 2 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट है मैनेजर बनने का,
कहते ये जो चार महीने में मैनेजर बन सकते हो 150 cc के साथ, दैट इज अ मच इजियर कॉन्सेप्ट एंड मच सिंपलर कॉन्सेप्ट, और उसमें आप मैनेजर लोगों को एक तरीके से बना सकते हो. सो वी शुड प्रॉबली फोकस कि आप चार महीने में 150 cc करके मैनेजर बने. तो आप सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, चार महीने में आप मैनेजर बन गए अक्टूबर में जाके. अब अक्टूबर में जाके आप मैनेजर बनते हैं, उसके बाद के जो आपके सीसी हैं वो आपके टोटल सीसी में काउंट होंगे. आप ये ध्यान रहे, नए व्यक्ति के लिए, जो नया व्यक्ति शुरू हुआ है उसके मैनेजर सीसी वहां से काउंट होंगे अक्टूबर से. तो अक्टूबर के बाद वाला सीसी उसके चार महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उसने अपना मैनेजर रिट्रीट अचीव कर लिया लेवल वन, और फरवरी में ही इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर हिज कार प्लान, और मार्च में अगर वो उसी स्पीड से चलता रहता है तो ही कैन अचीव मैनेजर रिट्रीट टू लेवल टू. एम्बिशियस है, बट हमें एम्बिशियस लोग चाहिए. मुझे लगता है कि जो आज की डेट में नया रिक्रूटमेंट हो रहा है वो एम्बिशियस लोगों का है. आई सी वेरी वेरी एम्बिशियस पीपल. तो अगर आप फोकस करते हो, फोकस तरीके से काम करते हो, तो आप लोग जो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हो वो तो आप कर ही सकते हो. आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, अपने आप को एक नई दिशा से खा सकते हैं, और आपका फ्यूचर ब्राइट है. आप ईगल मैनेजर की तरफ बढ़ सकते हैं. अब आते हैं ईगल मैनेजर पे. ईगल मैनेजर कैसे कर सकते हैं? 720 cc डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 60 cc पर मंथ. रिक्रूट 2 to 4 न्यू AS एवरी मंथ. रिटेल 4 cc to 6 cc पर मंथ. एम हाई, डिसाइड टू अचीव फॉर एवर टू ड्राइव, कार प्लान भी कर सकते हैं, और 100 cc पर मंथ प्लस का बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? चेयरमैन बोनस. ये आपका ईगल मैनेजर का प्लान है. इसमें यू आर ऑलरेडी अ मैनेजर. हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप पिछले वाले प्लान के साथ आए हैं तो आप मैनेजर बन चुके हैं. अब तक नए सुपरवाइजर्स तीन सुपरवाइजर्स में से जुलाई में जाके एक AS और जुलाई में जाके एक सुपरवाइजर बन जाता है. बिजनेस कीप्स ग्रोइंग. आप नवंबर में एक असिस्टेंट मैनेजर, दूसरा सुपरवाइजर दिसंबर में, जनवरी में आप जा रहे हो, यू कार प्लान आपका पूरा, फर्स्ट मैनेजर स्ट्रक्चर्ड फॉर चेयरमैन बोनस. आपका जो पहला मैनेजर है वो चेयरमैन बोनस के लिए तैयार हो रहा है. सेकंड सुपरवाइजर गोज AM, सेकंड AM गोज मैनेजर. वो वहाँ पे डिक्रीज आ रहा है बिकॉज आपका एक मैनेजर बन गया है, वो उसके सीसीज आप में से निकल गए. तो दिस इज द प्लान फॉर ईगल मैनेजर. ये बेसिकली 2 साल का प्लान है किसी भी नए व्यक्ति के लिए. अगर वो फर्स्ट ईयर में मैनेजर टारगेट करता है, मैनेजर रिट्रीट टारगेट करता है, और सेकंड ईयर में ईगल मैनेजर करता है. अगर एम्बिशियस व्यक्ति है तो सेकंड ईयर में वो चेयरमैन बोनस भी टारगेट कर सकता है. सो चेयरमैन बोनस इज नॉट डिफिकल्ट फ्रेंड्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग अ चेयरमैन बोनस, और स्पेशली स्पेशली जो सारी फ्रंट रो बैठी है, ऑल ऑफ यू हैव द केपेबिलिटी टू बिकम GLT. तो ये पीछे वालों से मेरी गुजारिश है कि आगे वालों की एक बारी फोटो खींच लेना आज, और साल के एंड में पूछना इनसे ये GLT बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बिकॉज ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे. खींच लोगे फोटो इनकी? We will remind them next year. ठीक है? Because अगर ये GLT बनेंगे तो आप लोग शर्तिया चेयरमैन बोनस अचीवर्स बनोगे.
Leadership begins from the front row. दोस्तों ये प्लान था. इसके बाद को रिटेल कस्टमर को सेल करते हो C9, तो वी विल मेक देम अ पार्ट ऑफ दैट C9 क्लोज ग्रुप, ताकि उसको भी वो जो टाइम टू टाइम एडवाइस है वो मिलती रहे और वो मोटिवेशन में काम करें. बिकॉज मैंने क्या देखा है, जब आप सब इकट्ठे ग्रुप में होते हो तो मोटिवेटेड रहते हो और आप अपना चैलेंज ना चाहते हुए भी कई बार कंप्लीट कर लेते हो. मैम सॉरी मेरे पास नई प्रोडक्ट्स नहीं है. वो आपने कल नवाज मैम को बोलना था कि नए प्रोडक्ट्स दें वेट गेन के. इंडिया को एक्चुअली वेट गेन के प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं है, मार्केट छोटा रहेगा बड़ा. सो अज्यूम 50% पीपल आर प्रोडक्टिव. 2000 रुपए की अगर सेल पर पर्सन भी करते हैं तो 18000 रुपए की सेल. 1 CC की सेल इज नॉट अ प्रॉब्लम 3 home meetings में. नए व्यक्ति के लिए ये मुश्किल हो सकता है, बट अगेन लाइक किम सेड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. गो ईट बनानास, राइट. एलिवेटर पिच, वो सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिक्रूटमेंट के लिए. आप ये मान के चलिए जब रिक्रूटमेंट करने जाएंगे ना होगी ही होगी. अगर 70-80% लोग ना बोलते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम. प्रैक्टिस, इसमें एक चीज तीसरी लाइन में अगर आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, विद और विदाउट योर स्पॉन्सर. अगर आप 2 AS रिक्रूट करते हैं हर महीने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर देयर विद देम. हमारे यहां मैंने क्या देखा है, कॉमनली आप 2 CC खरीदवा देते हो उनको, उसके बाद जयराम जी की, उसके बाद आप दो नए लोग ढूंढते हो उनको 2 CC करवाते हो, उसके बाद उसको पूछते भी नहीं बेचारे को कि भैया ये 2 CC खरीदे थे तुमने, क्या किया क्या नहीं किया, इसको कैसे बेचना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है. वी आर नॉट इवन कंसिडर्ड. जब तक आप उसको वो 2 CC रिटेल करने में मदद नहीं करोगे, आप इस बिजनेस में GLT नहीं बन सकते दोस्तों. स्पॉन्सर का रोल उसको मैनेजर बनने तक उसके साथ उसका हैंड होल्डिंग करने का है, उसको उसी समय निकाल के साइडलाइन करने का नहीं है. सो अ स्पॉन्सर हैज़ टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसका बहुत समय लगने वाला है, तो ज़्यादा रिक्रूटमेंट के पीछे भागने की बजाय जो आदमी रिक्रूट किया है उसको डेवलप करने में भी थोड़ा समय लगाएं, उसकी मदद करने में, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में. लास्ट पॉइंट अपना था, अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, रिक्रूटिंग कर लिया, रिटेलिंग कर लिया, डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन का बड़ा सिंपल मेथड है, आपने ए को रिक्रूट किया, आप उसके साथ काम करेंगे. ए ने बी को रिक्रूट किया, आप दोनों के साथ काम करेंगे और साथ में कोचिंग करेंगे ए की कि वो बी के साथ कैसे काम करे. आपने सी को रिक्रूट किया, आपका काम सिर्फ ए और बी तक. जो आपने ए और बी को सिखाया वो आगे ए और बी करेंगे सी के साथ. दैट इज वॉट इज डुप्लीकेशन. हम लोग आज की डेट में ना जाने कितनी कितनी डाउन द लाइन जाके ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है डुप्लीकेशन नहीं हुआ. आपको डाउन द लाइन जाके ट्रेनिंग देने का क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीच के लोग थे आपके वो ट्रेन नहीं हुए, वो डुप्लीकेशन नहीं कर रहे. मैं ये नहीं कहता कि वंस इन अ ब्लू मून आप एक बड़ा सेमिनार करें, सारी अपनी टीम को इकट्ठा करें, जरूर करें, बट जो बेसिक काम है, बेसिक काम, बिकॉज आपके पास जो समय है वो लिमिटेड समय है. उस लिमिटेड समय में लिमिटेड लोगों के साथ अच्छी तरह काम कर सकते हैं आप. अगर आप 50 लोग रिक्रूट करेंगे महीने में, आप 50 लोगों को समय नहीं दे सकते अच्छा ग्रो करने के लिए. आप 2, 3, 4, 5 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते. मैनेजमेंट फिलॉसफी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं. आप अगर आप किसी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे, वहाँ पे 7-8 लोगों से ज़्यादा आपको लोग रिपोर्ट नहीं करते. उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नीचे 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 फैलता चला जाता है. आप 100 लोगों से डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं ले सकते हो. उसी तरह आपको भी अपना बिजनेस
उसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि जो आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दीजिएगा कि वो आपके क्लोन बन जाएं, वो आपकी रेप्लिका बन जाएं। जिस दिन आपने ये कर लिया, आपके क्लोन्स बन गए आपके नीचे, आपका बिजनेस सेल्फ स्टार्ट गाड़ी की तरह भागेगा। सो दोस्तों, समराइज, अपने सीसीज प्लान करिएगा, हर महीने कितने सीसीज करने हैं। 4 CC अपना करिएगा हर महीने, और 2 से लेके 4 तक AS रिक्रूट करिएगा हर महीने। अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं, ऑल ऑफ यू कैन डू दी मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, कार प्लान एंड चेयरमैन बोनस। वेल, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। होप करता हूँ आज आप शाम को जब निकलेंगे यहाँ से, अपना कोई ना कोई गोल सेट करके निकलेंगे और उसके ऊपर, जैसे अगेन किम ने बोला है, एक्शन लेंगे, बिकॉज एक्शन के बिना गोल इज वेस्टेड। सो एक्शन प्लान जरूर बना लीजिएगा, आज अपना गोल सेट कर लीजिएगा, अगले 2-3 दिन में अपना एक्शन प्लान बना लीजिएगा, उसके बाद ओनली एक्सिक्यूशन, ओनली एक्शन, ओनली इन द फील्ड। अगर आप ये काम कर लेते हैं अगले हफ्ते के अंदर अंदर, अगेन आई अश्योर यू, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू।